हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मैं नबील है। आज का जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुझे इसमें आपकी ओपिनियन भी चाहिए। आप अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करना। व्हाट्सएप एज वेल एज फेसबुक का जो मैसेंजर है, इन दोनों चीज़ों से हम कर सकते हैं वॉइस कॉल्स। आप लोग में से जानते ही है बहुत लोग के आईफोन के अंदर फेस टाइम नाम का एप्लीकेशन है जिससे हम वॉइस एज वेल एज वीडियो कॉल कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन उसके लिए सामने वाले के पास भी आईफोन होना बहुत ज़रूरी है। अभी इंडिया में एज वेल एज इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ज़्यादा आईफोन यूज़र्स नहीं है, बहुत कम आईफोन यूज़र्स है। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में सब लोगों के पास आईफोन हो। व्हाट्सएप एज वेल एज फेसबुक मैसेज है, दोनों जो है एक दूसरे से लिंक्ड है। फेसबुक का ही है व्हाट्सएप और व्हाट्सएप का ही है फेसबुक, तो दोनों जो है इंटरकनेक्टेड है। दोनों के अंदर एक चीज़ है जिसकी वजह से हो सकता है कि अभी iOS 13 के साथ आने वाले कुछ महीनों के अंदर ये दोनों में से जो कॉलिंग सर्विस है या ये दोनों एप्लीकेशंस ही ऐप स्टोर से गायब हो सकते हैं। एप्पल जो है इनको अपने ऐप स्टोर से निकाल सकता है क्योंकि एक बहुत मेजर सिक्योरिटी प्रॉब्लम आया है इन दोनों एप्लीकेशन से रिलेटेड, जिसके बारे में आज आपको मैं बताने वाला हूं। जब हम किसी को व्हाट्सएप कॉल करते हैं या फिर हम लोग अपने फेसबुक मैसेंजर से किसी को कॉल करते हैं, दोनों ही केस में जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यहां पे होता है उसको बोलते हैं VOIP, यानी कि वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी कि इंटरनेट के जरिए से जो है हमारी वॉइस को ट्रांसफर किया जाता है। तो VOIP टेक्नोलॉजी में क्या होता है दोस्तों, ये जो मैसेंजर्स है दोनों, व्हाट्सएप एज वेल एज फेसबुक का जो मैसेंजर है, इसमें जो इनकमिंग कॉल होता है वो हमको इमीडिएट मिलने के लिए, यानी कि वो कॉल हमसे मिस नहीं होने के लिए, ये दोनों एप्लीकेशन जो है हम इसको अगर किल भी कर देते हैं, इसको खत्म कर देते हैं, उसके बावजूद ये बैकग्राउंड में जो है रन करते रहते हैं। और जब ये बैकग्राउंड में रन करते रहते हैं तो ये हमारा जो डेटा है, जो हमारे वॉइस का डेटा है, वो जो डेटा है ये लोग कैप्चर करते रहते हैं। ये जो है बहुत ही ज़्यादा रिस्की चीज़ है, यूज़र्स की प्राइवेसी को जो है बहुत ही खतरा है। व्हाट्सएप बोलता है कि अपने मैसेंजर के जरिए से वो एंड टू एंड एनक्रिप्शन देता है चैट में, लेकिन फिर भी हम जानते ही है कि व्हाट्सएप पे हम जब चैट करते हैं, ग्रुप्स ज्वाइन करते हैं, तो उसी का ऐड जो है हमारे फेसबुक के अंदर हमको नज़र आता है, देखने को मिल जाता है। तो व्हाट्सएप का जो सिक्योरिटी है वो कितनी है हम जानते ही है, एज वेल एज फेसबुक की जो सिक्योरिटी है वो कितनी है हम जानते हैं। इस तरह से जो फेसबुक का मैसेंजर है उस पर भी जो है यही इशू है, व्हाट्सएप में भी यही इशू है। तो बैकग्राउंड में आप जो है इन एप्लीकेशन को किल करने के बावजूद जो है ये एप्लीकेशन क्योंकि रन करते रहते हैं और वॉइस डेटा को ये लोग जमा करते रहते हैं, ये आपकी प्राइवेसी के लिए जो है बहुत बड़ा कंसर्न है। इसके लिए एप्पल ने जो है अपने यूजर्स की ये प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा डिसीजन लिया है कि 2020 के अप्रैल तक अगर व्हाट्सएप एज वेल एज फेसबुक ये वाला जो इशू है इसको सॉल्व नहीं करते और अपने जो दोनों एप्लीकेशंस है व्हाट्सएप एज वेल एज फेसबुक मैसेंजर, इसका जो वॉइस कॉलिंग वाला फीचर है इसको कम्प्लीटली ओवरहॉल नहीं करते, तो ये दोनों एप्लीकेशन जो है एप्पल अपने ऐप स्टोर से निकाल देगा, यानी कि उसको कम्प्लीटली बैन कर देगा। यानी कि ऐप स्टोर में जाके आप व्हाट्सएप और फेसबुक जो मैसेंजर है उसको डाउनलोड नहीं कर सकते और इस्तेमाल नहीं कर सकते, ना ही अपने आईफोन से इन दोनों सर्विसेज का इस्तेमाल कर सकते हैं किसी को भी कॉल करने के लिए। ये एक बहुत सीरियस कंसर्न है दोस्तों, स्पेशली इंडियन यूजर्स के लिए, क्योंकि व्हाट्सएप मैसेंजर एज वेल एज फेसबुक मैसेंजर का जो वॉइस कॉलिंग फीचर है उसका हम लोग जो है बहुत ज़्यादा हैवीली यूज़ करते हैं, और फेस टाइम का जो एप्लीकेशन है वो हर जगह पे जो है एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि दूसरे हर किसी के पास आईफोन नहीं है। क्या लगता है दोस्तों आपको, व्हाट्सएप का जो वॉइस कॉलिंग वाला फीचर है एज वेल एज फेसबुक का जो वॉइस कॉलिंग वाला फीचर है फेसबुक के मैसेंजर का, क्या एप्पल को इसके ऊपर इस तरीके का एक्शन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है एक्शन लेना चाहिए, लेकिन बीच का कोई सोल्यूशन निकालना चाहिए क्योंकि दोनों मैसेजेस की जो वॉइस कॉलिंग फीचर है उसका हम लोग बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ करते हैं, फेस टाइम उतना यूज़ नहीं करते। इनफैक्ट मैं बहुत सारे आईफोन यूजर्स को जानता हूँ जिनके फ़ोन में फेस टाइम होने के बावजूद और उनके फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ फेस टाइम होने के बावजूद वो लोग जो है फेस टाइम एप्लीकेशन का इस्तेमाल नहीं करते अपने डे टू डे लाइफ में, शायद वो लोग जो इतने यूज टू नहीं है या उसको इतना अच्छे से समझ नहीं पाए हैं। तो ये बहुत बड़ा इंपैक्ट हो जाएगा दोस्तों हम आईफोन यूजर्स के लिए, स्पेशली जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में है जो ये दो सर्विस का मेजर इस्तेमाल करते हैं। तो आपको क्या लगता है इसके बारे में, क्या एप्पल को इतना बड़ा स्टेप लेना चाहिए यूजर्स की प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए, या फिर इसके लिए थोड़ा लीनियंट होना चाहिए और ये दोनों मैसेंजर सर्विसेज का जो आप इस्तेमाल है वॉइस कॉलिंग के लिए करना चाहते हैं आगे? जो भी आप सोचते दोस्तों नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए, और इसका जो फैसला है आने वाले कुछ महीनों में हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आएगा, पसंद होगा तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।